हाँ जी बेटे, नाउ वी आर कमिंग टू टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक जो आपने किया है वो आपने किया है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा और इसका जरा मतलब समझिए, हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है, जैसे बहुत बार मैंने ये एग्जांपल लिया है y इक्वल टू कौन सा mx वाला है ना, और इसके मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x फर्स्ट ऑर्डर की। सो ये आपका सॉल्यूशन है और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि इससे ये फॉर्मेशन किया है। अब हम ये उल्टा प्रोसेस ये वाला करने वाले हैं, इसको जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है जी, मेरी बातें समझ आ रही होगी। जो प्रोसेस है, जैसे द प्रोसेस ऑफ पासिंग फ्रॉम अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन टू द जनरल रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स विच इट इंप्लाइज, ओके आगे बताता हूं, इज कॉल्ड सॉल्विंग और इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। द सॉल्यूशन और द इंटीग्रल ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयरफॉर अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव। ये सिर्फ रिलेशन किसमें है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो सॉल्यूशन होगा, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन होगा जो कि फ्री होगा डेरिवेटिव से। ओके, नेक्स्ट, मैं अभी छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, सच दैट इट सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये माइंड में रख लो कि वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू सी ई टू द पावर 2x, हाउ मेनी आर्बिट्री आर देयर, ओनली वन, दैट इज सी। सी इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हेयर, इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहां डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाला हूं, वो देखिएगा, वो आएगी आपकी डेरिवेटिव इसका करेंगे। वैसे मैं लिखी देता हूं dy by dx, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल बना रहे हूं, dy by dx is equal to 2y, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये आएगा 2 c e की पावर 2x, और जहां c e की पावर 2x होगा वहां मैं क्या लिख दूंगा y। सो ये dy by dx जो आप देख रहे हो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y की, और y इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है वो इसका सॉल्यूशन है। बातें समझा रही होगी, इसमें इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। यहां आप देख सकते हो ओनली वन कांस्टेंट है, ये की कांस्टेंट है, या एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, सो दैट्स व्हाई हम इसको डिफरेंशिएट सिर्फ वन टाइम कर सकते हैं। और इसका ऑर्डर क्या है बेटे, वन इज द ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हो डेरिवेटिव इसको dy by dx इक्वल टू टाइम्स y, अगर यहां पुट कर दें ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मींस सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हैं। सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है वो थ्री टाइप्स के हैं। पहला हमने यहां लिखा है जनरल सॉल्यूशन, उसके बाद में लिखा हुआ है भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड लास्ट में लिखा है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बट जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इजी है, इसको जरा समझिएगा। जनरल सॉल्यूशन, इसका दूसरा नाम है कंप्लीट इंटीग्रल, मतलब कंप्लीटली हमने उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना, मतलब जैसे dy by dx equal to 2y है, तो उसको अगर मैं dy 2y को उधर ले आता हूं और dx को साइड भेज देता हूं, अब दोनों तरफ क्या कर देता हूं, इंटीग्रेट, तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन है। ओके, सो इसको मैं समझाऊंगा आपको कि इसको सॉल्यूशन निकालना कैसे है, इंटीग्रेट करके निकालना है या कैसे करना है। आगे चल के बहुत सारे थ्योरम्स भी हैं, बर्नौली थ्योरम है ना, वो बताऊंगा मैं फिर आगे। चलिए, कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव ही आएगा वो भी कैसा आएगा, कंप्लीट प्रिमिटिव आएगा आपका। कंप्लीट प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाई को एम एक्स का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल का ये क्या है, सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है प्रिमिटिव। ओके, रिलेशन इन एक्स एंड वाई, एक रिलेशन जो इसमें है एक्स एंड वाई में है, सेटिस्फाइंग अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, एंड इन्वॉल्विंग
एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स उसमें जितने भी आर्बिट्रेरी आएंगे वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर वन है, सो यहाँ जो आर्बिट्रेरी आएंगे वो भी कितने आएंगे, ओनली वन, वन आर्बिट्रेरी यहां आएगा, मेरी बातें समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आफ्टर दिस नेक्स्ट सेकंड वन एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जनरल सॉल्यूशन का एग्जांपल, जैसे अभी हमने जो किया था वो जनरल सॉल्यूशन ही था, ओके वो जनरल सॉल्यूशन ही था, आगे बहुत सारे एग्जांपल आने वाले हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, जैसे इसने यहां बोला कि एक रिलेशन एक्स और वाई में जो सेटिस्फाई करता है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इन्वॉल्व करेगा सेम नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जितना उसका ऑर्डर है, ऑर्डर मीन्स अगर वन है तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट भी एक ही आएगा बेटे, है ना। सो ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग वैल्यूज टू वन और मोर ऑफ द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स फाउंड इन द जनरल सॉल्यूशन। जैसे हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आया था वो आया था वाई इक्वल टू एम एक्स, सो इस एम की जगह अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूं तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मींस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर वैल्यू मींस अगर मैं इस एम की जगह पे अगर कोई वैल्यू पुट कर देता हूं 1 2 3 4 5 ये सभी जो वैल्यूज पुट करने के बाद में जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए इफ आई एम सेइंग दैट देयर इज c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x, सो दैट विल बी द सॉल्यूशन। इफ दिस इज योर सॉल्यूशन, सो व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 लाइक 1 एंड 2, सो आई एम पुटिंग हियर 2 एंड आई एम पुटिंग हियर 3, सो दैट सॉल्यूशन विल बी अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन बिकॉज़ ऑन असाइनिंग द वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी c1 और c2 उनको हमने असाइनिंग की वैल्यूज, जनरल सॉल्यूशन था पहले, जनरल सॉल्यूशन था, अब हमने जो वैल्यूज पुट कर दिया तो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया ये, ओके। सो नेक्स्ट सिंगुलर सॉल्यूशन, एग्जांपल पर्टिकुलर सॉल्यूशन के मैं लूंगा यहां, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने वैसे बता तो दिया, एक एग्जांपल ले लिया है, जैसे y इक्वल टू, खैर वही एग्जांपल है, y इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर 2x माइनस 2x ले लो, ये कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। और अगर मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ वैल्यूज पुट कर देता हूं, ये एग्जांपल है, दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन, और अगर मैं c1 c2 की जगह कोई वैल्यू पुट कर देता हूं, मींस c1 c2 तो कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट में तो कुछ भी पुट कर सकता हूं, 2 पुट कर दिया e की पावर 2x माइनस 3 पुट कर दिया e की पावर माइनस 2x, सो दैट विल बी व्हाट, ये जो आया ये हमारे पास जो मिला है दैट विल बी व्हाट, दैट इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट विल बी नॉट जनरल सॉल्यूशन बिकॉज C1 एंड C2 को हमने वैल्यू असाइन कर दी है, एक 2 और एक माइनस 3, सो दैट विल बी ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट विल बी ए जनरल सॉल्यूशन, ओके। सिंगुलर सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इतना पूछेगा नहीं आपसे कि सिंगुलर सॉल्यूशन बताओ, बहुत रेयर ऑफ रेयर पूछता है, लेकिन आपको आना चाहिए ये, है ना। अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलना ये हमें, मतलब जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से निकला, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन से नहीं होने वाला, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बट स्टिल इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड अ सिंगुलर सॉल्यूशन। एग्जांपल लेने वाला हूं इसका मैं, अच्छा खासा एग्जांपल लेंगे। सो ये तीनों पॉइंट्स आप पहले नोट करिए, इनको स्टेटमेंट्स बनाइए इनकी, है ना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन यहां आपका कंप्लीट होता है। आगे मैं बढ़ता हूं, देखिएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, इसके एग्जांपल, सिंगुलर सॉल्यूशन का एग्जांपल देखिएगा। हाँ जी देखिएगा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिंगुलर सॉल्यूशन का, जैसे ये आपको पता है इक्वेशन किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0 है, और जिसकी रेडियस क्या है, ए है, पता है ना आपको ये बात, यानी कि एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, एच और के 0 0 है यहाँ, ओके। So, is the singular solution. That is what? Singular solution. Single solution means singular, जैसे मर्जी समझ लो, किसका, इस differential equation का, differential है, order कितना है इसका, order तो 1 ही है ना इसका, और यहां भी arbitrary कितना है, एक ही है, तो ये singular solution है। एक और बात, ये singular solution जरूर है, लेकिन एक हम general solution की बात करते हैं, अगर मैं इसका general solution की बात करूं, तो इसका general solution जो होगा वो होगा, देखिएगा मैं लिखने जा रहा हूं, y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर। ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का नाम क्या है,
इस सॉल्यूशन का नाम है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, और दैट इज आवर जनरल सॉल्यूशन। और इस जनरल सॉल्यूशन से हमें ये तो नहीं मिला, ये तो सिंगुलर सॉल्यूशन यहां से तो नहीं मिला हमें ना, नहीं ना मिला। सो दैट इज द रीजन वी कॉल इट व्हाट, दैट इज व्हाट आवर इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। मतलब जनरल सॉल्यूशन से फॉर्म नहीं होता ये, मतलब ऐसा नहीं है जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, सी की जगह को वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह को वैल्यू पुट कर दी, वो बोल देते हैं ये कौन सा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो यहां से नहीं मिलता, इसको इस आर्बिट्रेरी को कोई वैल्यू देने से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिंगुलर सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट है, जनरल सॉल्यूशन से नहीं बन रहा हूं, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, दैट इज द क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है कि ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, दैट इज अ फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अलावा कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, सो दैट विल बी अ सॉल्यूशन। सो ही इज सेइंग दैट कि दैट विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट विल बी ओके। सो करते हैं प्रूफ, पहले सॉल्यूशन को उठाओ। सॉल्यूशन है हमारा 2x² y प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखिएगा जरा गौर से, मैं सॉल्यूशन के साथ कुछ करने वाला हूं, देखिएगा इस सॉल्यूशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, दैट विल बी इक्वेशन वन। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो when we are differentiating this equation, what we are getting here, that will be first into second plus second into first ka differentiation, aise karenge na, first into second ka plus second into first ka, so 2 ko bahar nikal lo, first into second ka derivative y ka y dash plus second into first ka derivative, first yani x square ka, wo aa jayega 2x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर मैं इसको x मान लूं पूरे को, सो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन फिर x स्क्वायर का दोबारा से होगा, x स्क्वायर का नहीं माइनस x स्क्वायर का इज इक्वल टू जिसको आपने x माना था। करिए आगे, यह जगह 2x स्क्वायर y डैश प्लस 2xy प्लस e टू द पावर माइनस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी माइनस टू एक्स, आ रही है मतलब समझ, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, अब देखो यहां जो मिलने वाला है उसको पकड़ते हैं, जरा देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, जाएगा 2x² y डैश प्लस 4xy माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बेटे यहां से मैं कुछ वैल्यू पुट करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, देखिएगा अगर मैं इसको साइड ले जाऊंगा तो माइनस का e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मतलब माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x² y, वो वैल्यू उठा के यहां मैं पुट कर दूंगा इस जगह पे। ओके सो बातें समझ आ रही होंगी, मतलब माइनस के साथ में माइनस लेंगे साथ में, तो आ जाएगा 2x² y डैश प्लस 4xy और माइनस 2x² y, इसकी जगह पुट कर देंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की प्लेस पे, सो ये आ जाएगा प्लस 2x और ये आ जाएगा 2x² y इज इक्वल टू जीरो। जो भी आ रहा है यहां से देखिए, ये आ रहा है आपका 2x² y डैश प्लस 4xy प्लस 2 to the 4 x³ y इक्वल टू जीरो। x कॉमन लो और कैंसिल करो बेटे, आ जाएगा 2x y डैश प्लस 4y प्लस 4x² y इज इक्वल टू जीरो। मुझे तो कुछ दिख रहा है कि आपको भी बातें दिख रही है, 2 भी डिवाइड में जाएगा, 2 को भी कैंसिल करो कॉमन लेके, यहां से 2 कॉमन आया, यहां से 2 बचेगा, यहां भी 2 बचने वाला है, इन दोनों में से y कॉमन आने वाला है, भी y कॉमन लीजिए जरा जल्दी से, यह आ जाएगा x y डैश प्लस, देखो दिख रहा है आपको,
बस जहां तक मैंने लिखा है वहीं तक दिख रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है अभी। चलिए मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, देखिएगा। सॉरी, यहां से देखिए। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा, यहां देगा एक्स वाई डैश, सॉरी एक्स वाई डैश प्लस, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, टू वाई कॉमन आ रहा है, उसने भी यही लिया कॉमन। हाँ, वाई को बाद में लिया उसने, मतलब बाहर लिखा है इक्वल टू जीरो। सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड डिजायर्ड रिजल्ट, कह सकते हो दैट विल बी आवर डिजायर्ड रिजल्ट। में डिजायर होंगे तभी कुछ होगा, है ना। हम जो भी कर रहे हैं वो सब कौन कर रहे हैं भाई, डिजायर, जो हमारे अंदर दबे हुए हैं वो हमसे काम करवा रहे हैं। आगे बढ़े भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटे, यहां लिखा है शो दैट वाई इक्वल टू ए टी की पावर एक्स प्लस दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, सो सोल्यूशन अगर ये इसका है, मैं कहता हूं कि ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा क्वेश्चन, अभी थोड़ा है ना ध्यान से देखना इसको। तो भाई ये जो कंडीशन है, यानी कि 3 टाइम्स उसने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया है ना भाई, 3 टाइम्स किया ना। हाँ, तो ऑर्डर कितना है इसका, 3 है। अच्छा, ऑर्डर 3 है और इसमें आर्बिट्रेरी कितने हैं वो भी 3 है, तो बिल्कुल सही है भाई, है ना। और ये जनरल सोल्यूशन भी है, ये भी ध्यान रखना। अभी आ गया है डिस्कस में, डिटेल में करने वाला जनरल सोल्यूशन को। एनीवे, चलिए इसको पहले लिख लो, वाई ए की पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर 2x प्लस सी e टू द पावर माइनस 3x। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चा बच्चा जानता है, e की पावर x ही होता है। प्लस b को बाहर, e की पावर 2x का हम जानते हैं, e की पावर x को तो जानते हैं, e की पावर 2x नहीं पता जी, e की पावर 2x का वही आ जाएगा, e की पावर 2x, और 2x का हम दोबारा से कर देंगे डिफरेंशिएशन। मेरी बातें समझ आ रही होंगी। प्लस फिर वही कहानी, सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, ई की पावर माइनस 3x का, ई की पावर माइनस 3x आ जाएगा, और डिफरेंशिएट फिर दोबारा से हो जाएगा माइनस 3x का। सो ये आ गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर 2x इंटू, ये क्या आएगा बेटे, ये आएगा हमारा 2 प्लस सी ई टू द पावर माइनस 3x, और डिफरेंशिएशन किया इसका तो आएगा माइनस 3। सो देखिए, ये आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस 2 बी ई टू द पावर 2x माइनस 3 सी ई टू द पावर माइनस 3x। बच्चों ध्यान से करना भाई, यहां गलतियां होती हैं, है ना। सो इक्वेशन 1, 2, 3 जो मर्जी बना लो इसको यार। सो अभी तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर, अब तो 2 बार 3 बार करना है यार इसको हमने, है ना। आगे भी करना है एक तो वाई, अभी तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया हमारा, दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करना है इसको भी, तो इसको नंबर बना लो 2 और इसको नंबर 1 बना लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे देखिएगा, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा भाई क्या करने वाला हूं मैं यहाँ। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस करने वाला हूँ। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, सर ऐसा क्यों कर रहे हो यार, कुछ कैंसिल होता दिख रहा था मुझे, मुझे दिख रहा है ए ई की पावर जो एक्स है आपका वो कैंसिल हो जाएगा। सो ये मेरे लिए खुशी की बात है, अगर कुछ कैंसिल होता है तो खुशी की बात है भाई, हटाना हमने है उसको, है ना। चलो हटाते हैं इसको, तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो जब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किया, ए ई की पावर एक्स तो गया यहां से, 2b में से b माइनस होगा तो आएगा b e टू द पावर 2x, है ना। हाँ, माइनस 3c और c जुड़ जाएंगे, आ जाएगा माइनस 4c e टू द पावर माइनस 3x। सो ये आपने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। इस इक्वेशन को भी कुछ बना लो भाई, इस इक्वेशन को नंबर बना लो भाई, है ना। किसी को 3 नंबर फॉर्म कर दो, एक को 3 नंबर ले लो उसको, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, नंबर 3। ओके, अब एक काम और करते हैं, देखिए ये नंबर 3 होगी ना हमारी क्वेश्चन कि y2 - y1, मतलब कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में से अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर मैं माइनस कर देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से मुझे डिफरेंशिएशन करना है,
उसके लिए मैं देखिएगा इसको डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ देखिएगा पेन चेंज कर रहा हूँ मैं, देखिए ये आएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स सेम आएगा। अब तो थोड़ा एक्सपर्ट हो गया तो टू टू द फोर आएगा यहाँ, ये समझ आ गया क्यों ऐसा हो रहा है, ई टू द पावर टू एक्स, थ्री थ्री जा नाइन सी ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स। सो इसको नंबर थर्ड भी होगी फोर नंबर बना दें, क्योंकि जब तक आप डबल डेरिवेटिव नहीं करोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आने का सवाल ही नहीं उठता भाई। सो फोर्थ इक्वेशन आपको विजिबल है, ठीक है। सो दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूँ डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री, देखना मेरे डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री क्या आता है यहाँ। सो इसको लिख सकता हूँ मैं वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस फोर टू जा एट बी ई टू द पावर टू एक्स नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन सी ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स। सो ये नंबर जो है वो फाइव बन गया आपका इक्वेशन, ओके। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि इस इक्वेशन में से जो मेरी डी थ्री वाई वाई डी एक्स थ्री है यानी कि वाई ट्रिपल डैश है, इस इक्वेशन में से अगर मैं सेवन टाइम्स करके डी वाई वाई डी एक्स को माइनस कर देता हूँ यानी कि इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ और उसमें सिक्स वाई एड कर देता हूँ यानी कि सिक्स टाइम्स वाई मैं ये एड कर देता हूँ तो क्या आएगा उसको जरा देखिएगा। सो देखते हैं भाई क्या आता है, वाई ट्रिपल डैश में से इसको सेवन टाइम्स डिवाइड में सेवन टाइम्स यही कर देता हूँ मैं, है ना, यही सेवन टाइम्स कर देते हैं ये और फिर सिक्स टाइम्स वाई भी करना है, फिर देखते हैं सबको जोड़ के जीरो आता है भी है या नहीं आता है ना। तो ये काम आप कर लोगे भी इजी है, टास्क टफ तो नहीं है ना, ओके। चलिए देखते हैं, सो ये आ जाएगा सेवन ए ई की पावर और यहाँ आ जाएगा फोर्टीन बी ई की पावर टू एक्स और माइनस ट्वेंटी वन, ठीक है सेवन टाइम्स कर दिया आपने इसका, सिक्स टाइम्स वाई, वाई का सिक्स टाइम्स सिक्स, यहां भी सिक्स आ जाएगा और यहां भी सिक्स आ जाएगा। अब आप करिए जो करना है मीन्स इसमें से आपने क्या करना है सेवन टाइम्स करके इसको माइनस करना है और इसको ऐड करना है, मतलब समझा रहा होगा मीन्स देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ बेटे। यहाँ पर ऐसा करो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड किया तो देखो क्या आ रहा है सेवन टाइम्स ए ई की पावर एक्स आ रहा है और ये वाला माइनस होने वाला है तो ये कट जाएगी यानी कि जीरो आ जाएगा, आ रहा होगा समझ आपको है ना। एट और सिक्स कितना होता है फोर्टीन और यहाँ माइनस का फोर्टीन करेंगे जीरो आ जाएगा, यहां माइनस का ट्वेंटी सेवन है और प्लस सिक्स करेंगे तो माइनस ट्वेंटी वन आएगा और यहां हाँ ये प्लस का ट्वेंटी वन होगा क्योंकि ये माइनस होना है इसे तो ये जीरो हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपने करना है इसको सॉल्व है ना, आगे हमारे पास स्पेस कम था तो इसमें मैंने आगे नहीं कराया इसको, बाकी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जनरल सोल्यूशन, लेट अस कंसिडर एन डिफरेंशियल इक्वेशन कंसर्निंग द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। वी ऑल नो दैट जो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मतलब इंक्रीज होते चले जाते हैं ऐसे इस तरीके से, मान लीजिए बैक्टीरिया इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। सो द एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया हैव असर्टेन्ड दैट द रेट ऑफ देयर रिप्रोडक्शन, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन का जो रेट है जितनी तेजी से वो क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, सो वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस क्वांटिटी के ऊपर, मतलब जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो रिप्रोड्यूस ज्यादा करेंगे और उतनी ही क्वांटिटी क्या करेगी ज्यादा इंक्रीज होगी, मेरी बात समझ आ रही होगी। सो इफ यू डिनोट द एक्स टी, मतलब एक्स जो है वो मास है बैक्टीरिया का और टी एट टाइम टी, मान लीजिए स्टार्टिंग उनकी जीरो सेकंड पे हुई है और तीस सेकंड में कितने बैक्टीरिया इंक्रीज कर गए हैं तो यानी कि एक्स थर्टी यहां पे नंबर आ जाएगा, ओके। और जो डी एक्स अपॉन डी टी है यानी कि अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो इक्वेशन बनेगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में बनेगी है ना एक्स की, सो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं डी एक्स ओवर डी टी विल बी द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दीज बैक्टीरिया, डी एक्स बाई डी टी इज वॉट विल बी द रेट ऑफ विल बी द रेट ऑफ
विल बी द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दीज बैक्टीरिया, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दीज बैक्टीरिया. मेरी बात समझ आ रही होगी? ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ दीज बैक्टीरिया. ठीक है जी, सिंस द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू देयर क्वांटिटी. अभी मैंने आपको बताया कि dx अपॉन dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट. रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई? मतलब रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर क्वांटिटी. सो ये क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मास ऑफ बैक्टीरिया क्वांटिटी बातें की है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी. जितना मास ज्यादा होगा उतनी क्वांटिटी ज्यादा होगी, मान लेते हैं एक्स के. सो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, सो वहां पे एक कांस्टेंट आएगा के एक्स. जो कांस्टेंट के है इसको हम सभी जानते हैं. इस कांस्टेंट के का नाम क्या है भाई? इस कांस्टेंट के को हम क्या देर एग्जिस्ट है कांस्टेंट के. ठीक है, ये लिख सकते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. सिंस द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू देयर क्वांटिटी देयर एग्जिस्ट है कांस्टेंट के. सो ये एक कांस्टेंट आ गया यहां पे. अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या है कि dx / dt = kx आ गया. सो इसको नंबर बना लो, कोई एक नंबर बना लो, है ना. एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां, बाय हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मीन हम मान के चल रहे हैं. बाय हाइपोथेसिस हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है जी, बातें समझिएगा थोड़ा. मींस ना तो देखो क्वांटिटी नेगेटिव होने वाली है, मास नेगेटिव नहीं होता कभी भी, है ना. और ना ही उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा. ये दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे. ये भी हाइपोथेसिस है हमारी, ये मान के चलना होगा हमें, है ना. छोटी छोटी बातें हैं ये, बड़े फिर आगे चल के पॉइंट्स बनाएंगे इससे. तो कोफिशियंट के कैसा होगा फिर? ये भी नॉन नेगेटिव होगा भाई. जब हमने dx और dt की बात कर ली x की, तो ये भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव भाई. dx / dt जब पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, जब ये पॉजिटिव है x, तो k भी कैसा होगा, नॉन नेगेटिव. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, नॉन नेगेटिव. इट इज ऑब्वियस दैट ओनली द केस k ग्रेटर देन 0 इज ऑफ इंटरेस्ट. तो हमारे वैसे भी ऑब्वियसली अगर कहीं कहते हैं सर इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं भाई, k इक्वल टू 0 से क्या फायदा होगा आपको, k इक्वल टू 0 से क्या फायदा होगा, क्वांटिटी 0 होगी तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, वो भी 0 होगा, क्वांटिटी है ही नहीं. सो हमारा जो इंटरेस्ट है, मतलब जो जो हमें चाहिए वो k इज ग्रेटर देन 0 के लिए है, k इक्वल टू 0 के लिए हमें मतलब नहीं है, ग्रेटर देन 0 से की सारी कहानी है. ठीक है जी, तो यहां से हमें पता लग गया जो केस है वो है k ग्रेटर देन 0. k इक्वल टू 0 कोई रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं. ठीक है, सो जो इक्वेशन 1 है ये एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है, दैट इज यहां लिख सकते हो, दैट इज एन एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट इज अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख सकते हो आप इसको. इट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्व फॉर अननोन ऑफ 1 इज द फंक्शन x इक्वल टू xt विच एंटर्स इनटू द इक्वेशन टुगेदर विद इट्स डेरिवेटिव x - t. तो आगे मैं एक दो पॉइंट लिख देता हूं फिर ज्यादा समझ आएगा, ऐसे अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होंगे पॉइंट्स. पहले मैं लिख लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं. बेटे ये पॉइंट देखिए, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन बनी थी रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया की, रेट ऑफ चेंज कितना होगा वो kx बना था, और इसको हमने बोला सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और ये जो मैंने देखा है x इक्वल टू c e की पावर kt इस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, क्या ऐसा है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है? अब आपको मैं यहां प्रूफ करके देता हूं कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. देखिएगा जरा, डिफरेंशिएट करते हैं इसको t के रिस्पेक्ट में, देखते हैं क्या आता है. सो ये आएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू c, इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर kt और kt का दोबारा से होगा तो आएगा k. ओके, सो दैट विल बी k इंटू c इंटू e की पावर kt. इसको लिख लो
के इंटू सी आ गया ये। अब जरा ध्यान से देखना यहां हम क्या करने वाले हैं, ठीक है सब सही है। के इंटू सी ई की पावर के टी जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यही तो एक्स है, सी ई की पावर के टी, तो इसकी जगह मैं एक्स लिख सकता हूं, तो आ गया डीएक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू एक्स। क्या आप मेरे को बता सकता है कि ये dx by dt equal to kx जो हमने अभी निकाला है आपके सामने ये क्या है, ये सोल्यूशन है इक्वेशन मींस दैट विल बी अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मींस ये ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन है, देखिए आपके सामने ही हो गया प्रूफ, ठीक है जी। सो ऑल द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन आर गिवन बाय अबव फार्मूला, सो जितने भी सोल्यूशन होंगे वो इस फार्मूले से आ सकते हैं। अब आप बताइए जनरल सॉल्यूशन बोलोगे पर्टिकुलर बोलोगे, ऑब्वियसली जनरल सॉल्यूशन है। अभी मैं आपको प्रूफ करता हूं जनरल सॉल्यूशन की, लिख लो जनरल सॉल्यूशन का, अभी मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, जनरल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर may be written मतलब हम उसको लिख सकते हैं may be written in the form, किस form में लिख सकते हैं, अभी आपके सामने एक form बनी है देखिएगा ध्यान से इसको, मतलब कौन सी form लिख सकते हैं, y dash equal to what, बोलो बच्चे क्या लिख सकते हैं उसको, मतलब वो function होगा किसका, x और y का, यानी कि y dash equal to function of x comma y। जैसे यहां आप देख सकते हो यहां एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, उसको जरा ध्यान से लिखना, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन दोनों में ही ये और डिफरेंशिएट किसको किया आपने, डिपेंडेंट वेरिएबल को किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट के, वैसे यहां हुआ dy / dx, डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और जो इक्वेशन बनेगी वो दोनों में बनेगी एक्स और वाई में, या फिर यहां पर सिर्फ टी आया तो ऑब्वियसली बन सकती है ऐसी इक्वेशन, मतलब फंक्शन बन सकता है एक्स और वाई का, वहां भी एक फंक्शन बना है टी में एक फंक्शन बना, सो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट है जी, ठीक है। सो सच इक्वेशंस आर सेट टू बी रिजॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। चलिए मैं आगे कुछ पॉइंट लिखता हूं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल इक्वेशन भी समझ आ गई होगी आपको, आगे बढ़ते हैं बेटे, इनको देखते जाओगे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट भी कराता रहूंगा मैं। ये तो भाई अभी हमने जो पहले डिस्कस किया था जिसको हमने इक्वेशन वन बनाया था, डिफरेंशिएट किया था और यहाँ एक्स और वाई में एक फंक्शन बना था, सच इक्वेशंस आर सेट टू बी रिजॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, जो नया फंक्शन आएगा रिजॉल्व करने के बाद fx और x बिलोंग्स टू a टू b इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, मतलब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे रिजॉल्व कर दोगे तो नई इक्वेशन बनेगी कैपिटल fx में, ये स्मॉल fx है ना, इफ इट हैज अ डेरिवेटिव f dash x, और फिर अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं f dash x करूं वो ये आएगा, किस इंटरवल में, वही इंटरवल जो यहां लिया था a से b, एंड इफ फॉर एनी x बिलोंग्स टू a टू b, अगर मैं कुछ भी a से b कुछ भी बिलोंग कर मतलब इस इंटरवल में पुट करूंगा इसके अंदर, तो फॉलोइंग इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब जहां इसके अंदर यहाँ ये वैल्यू जो f dash x है इसको फिर डिफरेंशिएट करूंगा और फिर जो y dash आएगा वहां x की जगह x और y की जगह कैपिटल y की जगह कैपिटल एफ एक्स अगर पुट करूंगा तो वो इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। ये वैसे एग्जांपल लेके ज्यादा समझ आएगा, एनी वे देख लो, एनी कर्व स्पेसिफाइड बाय द इक्वेशन, जो भी कर्व स्पेसिफाई होगी इस इक्वेशन से x बिलोंग्स टू a टू b वेयर f(x) इज अ सर्टेन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज कॉल्ड इंटीग्रल कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करके मैंने नया कर्व ये बनाया है और इस कर्व का नाम है इंटीग्रल कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए बेटे यहां मैंने क्या लिखा है, इट फॉलोज, इसको नोट कर लो यार, थोड़ा है तो बोरिंग सा ये है ना, लेकिन समझो उसको यार, इट फॉलोज फ्रॉम दिस डेफिनेशन, एक बार मेंटल पेन होगा समझ लो वही है ना, इट फॉलोज फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट द इंटीग्रल कर्व ऑफ इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 का इंटीग्रल कर्व आया था मैंने समझाया था, जो उसको क्या किया था मैंने इंटीग्रेट किया था, लाइज एंटायरली इन द डोमेन डी में, डोमेन में कौन सा डोमेन, इन विच द फंक्शन स्मॉल एफ है ना, जिसको हमने क्या किया था इंटीग्रेट किया था, इज डिफाइंड एंड दैट द इंटीग्रल कर्व एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट पी एक्स वाई हैज अ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब क्या होता है यार, ये बड़ा बार बार कंफ्यूज करता है, जैसे ये टेंजेंट है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, सो डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं डिवाइड बाई डी एक्स उस पॉइंट के ऊपर, जैसे वो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट,
जिसके ऊपर हमने टेंजेंट निकाली है, सो वो टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है या फिर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है या स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तीनों चीजें एक ही है। वो स्लोप इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट दिस पॉइंट पी, और कैपिटल एफ ये है क्या एफ, आपको पता ही है ना। अभी सारी प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। एक और बड़ी बात, द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन सेटिस्फाई, जो इसको सेटिस्फाई करता हूं, जैसे मैंने जो भी इक्वेशन वन थी उसमें एक्स नॉट पुट किया और वैल्यू क्या दी उसने वाई नॉट, तो एक्स नॉट और जो वाई नॉट है, एक्स नॉट और वाई नॉट जो है इनको, ये कुछ नंबर्स हैं और इसको रेफर करेंगे क्या, कॉची इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसको बोलेंगे कॉची इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है जी, इसको बोलेंगे कॉची इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे, यहां मैंने एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन नंबर थ्री, और इक्वेशन नंबर फोर यानी कि उसका सोल्यूशन लिखा है, ठीक है। कंसिडर ए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी, ओके। फंक्शन मीन्स या फंक्शन बोल लो, एंड द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड दिस इज द दैट वन, इक्वेशन नंबर थ्री इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो यहां देखिए, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, इट कैन बी इजिली वेरीफाइड दैट, बहुत इजिली हम वेरीफाई कर सकते हैं, ए और बी तो कॉन्स्टेंट, आपको पता है कि ये जो इक्वेशन फोर है वो इसका सोल्यूशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो वैल्यूज से हमें मतलब नहीं है कि आप क्या वैल्यूज देने वाले हो ए और बी को, खैर वो बात का इशू है, लेकिन ये इसका सोल्यूशन, इक्वेशन फोर थर्ड का सोल्यूशन है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी। अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स यहाँ कितने हैं, दो है, दो अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, टू है, ऑर्डर भी टू है, अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट भी, तो ऑब्वियसली फिर जो सोल्यूशन होगा उसमें टू ही होंगे, तो सही है, यहां तक तो सब समझा रहा होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता किसी स्मॉलर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट से, इन कॉन्स्टेंट को हम कौन से कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इसेंशियल कॉन्स्टेंट्स, इसेंशियल अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। जब भी अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट उसने बोल दिया कहीं भी, हमें दे दिया ए और बी कैसे हैं, ए एंड बी आर अर्बिट्रेरी, तो इसका मतलब ये इसेंशियल कॉन्स्टेंट, इसेंशियल भी लिख दो यहां, इसेंशियल अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जो हमें चाहिए ही चाहिए हर हाल में, इसकी जगह ये नहीं मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अर्बिट्रेरी इसेंशियल कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। अभी थोड़ा डाउट होगा आपको, थोड़ा और क्लियर करता हूं, ठीक है, कुछ और क्लियर करते हैं, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है। मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू सी वन, वाई इक्वल टू सी वन ई टू द पावर x प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहां इक्वेशन नंबर ले लो फाइव ले लो इसे कंसिडर, इक्वेशन नंबर फाइव, इन दोनों में से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं, तो e की पावर एक्स कॉमन तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, चलो इसको e की पावर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू वन अपॉन ई की पावर एक्स, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा सी वन ई टू द पावर टू एक्स प्लस सी टू अपॉन ई टू द पावर एक्स, अब तो सही है, ओके हाँ जी। सो अगर अभी भी कुछ कॉमन नहीं आएगा क्या, वन अपॉन ई की पावर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी टू अपॉन ई की पावर एक्स, ये तो सही है सब, है ना, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं, देखिएगा इस इक्वेशन को, सी वन ई की पावर एक्स कॉमन लेने की कोशिश करूं, मतलब e की पावर टू एक्स, या फिर ऐसा ले लो कोई और एग्जाम्पल, छोड़ो ये ले लो e की पावर x, ये ठीक है। सो इन दोनों में से देखो ये आ रहा है सी वन प्लस सी टू e की पावर x, ओके ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। सो इसको एक और इक्वेशन बना लो, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां,
कि इक्वेशन 5 में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, दो थे, और इक्वेशन 6 में कितने, C1 प्लस C2 को जोड़ के मैं C3 लिख सकता, तो कितने कांस्टेंट हुए, एक ही हुआ ना, सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। सो इसको हमने रिप्लेस कर दिया अंदर कांस्टेंट से, जिसको मैं C3 बोल रहा हूं। अब मैं C1 C2 को जो वो वैल्यू लूंगा, मतलब इन दोनों के समेशन को, यहां मैं एक और इक्वेशन बना देता हूं, C3 e की पावर x, इसको इक्वेशन 6 बनाना है, ओके। अब इसकी वैल्यूज मैं यहां पुट कर सकता हूं, ओके। एक और इक्वेशन मैं बनाने जा रहा हूं, देखिएगा, अगर कुछ ऐसी फॉर्म हम लेते हैं C1 C3 e की पावर x, हाँ ये तो सही है, C3 e की पावर x, जो पहले इक्वेशन थी वो थी हमारी C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x, यही था, और ये e की पावर 2x + 1 अपॉन में आ गया था e की पावर x, यानी कि C1 e की पावर 2x प्लस C2 अपॉन e की पावर x। ठीक है, C2 की वैल्यू अगर यहां से फाइंड आउट करके यहां पुट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं काम यहां। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 बन जाती है, ठीक है। सो ये जो C1 C2 आप कांस्टेंट्स देख रहे हो, ठीक है, सो इन दोनों को मैंने जोड़ के क्या बना दिया था, C3। तो यहां से ये C1 और C2 तो एसेंशियल रहे ही नहीं, तो यहां तो C3 के बराबर आ गया है ना, एक ही कांस्टेंट इनफ हो गया, ठीक है। सो एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट्स ध्यान रखना कि जो सॉल्यूशन 4 था, इक्वेशन 4 थी जो, उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं इक्वेशन 3 का, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को थोड़ा माइंड में रखना पहले से, ये जनरल सॉल्यूशन है किसका, इक्वेशन 3 का, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है। बेटे थोड़ा सा मैंने टर्म यह गलत दिया था, एक बार वाला, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कांस्टेंट क्या है। देखिए बेटे, यहाँ ए और बी जो है, ये आपने थोड़ा माइंड में रखना कि ये एसेंशियल ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं कॉस एक्स को या साइन एक्स को या कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। और यहाँ क्या हो रहा था, यह ई की पावर एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, और सी वन प्लस सी टू जुड़ के C3 बन गया, तो एसेंशियल थोड़ा ना हुआ, ये तो C3 बन गया, मेरी बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन से हैं, कौन से नहीं है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। बेटे इसको नोट बना के लिखेगा, जितना बड़ा ये दिख रहा है आपको उतना बड़ा है नहीं, है ना, कॉन्सेप्ट ये सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला समझ लेना, नोट है, नोट बना के लिख लो, इसे लिख लो पहले, है ना, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर कंटेन्स n एंड ओनली n आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। अब यहां एसेंशियल कौन से, नॉन एसेंशियल कौन से, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था आपको पिछले एग्जाम्पल में, खैर मैं दोबारा से यही सेकंड पॉइंट यहां लिखा है, इन काउंटिंग द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन, जब आप उसका जनरल सोल्यूशन निकालोगे, डिफरेंशियल से जनरल सोल्यूशन बनाओगे, तो काउंट करोगे जब आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ये माइंड में रखना, इट मस्ट बी सीन दैट दे आर एसेंशियल एंड आर नॉट इक्विवेलेंट टू अ लेसर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, मतलब वो C1 प्लस C2 यानी कि लेस नंबर ऑफ कांस्टेंट के बराबर ना हो जाए, यानी कि यहां पहले दो थे, अभी कितना हो जाए, एक हो जाए, ऐसा ना हो। द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर सेड टू बी एसेंशियल, उनको एसेंशियल कब बोलेंगे, जब ये इंपॉसिबल होगा डिड्यूस फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा उससे डिड्यूस फ्रॉम द सॉल्यूशन इक्विवेलेंट रिलेशन कंटेनिंग फ्यूर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझो भाई, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से पढ़ रहा हूं, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर सेट टू बी एसेंशियल, ठीक है, उनको सोल्यूशन में जो सोल्यूशन होगा उसको कब एसेंशियल बोलेंगे, व्हेन इट इज इम्पॉसिबल, जब ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो क्या, टू डिड्यूस फ्रॉम द सोल्यूशन एन इक्विवेलेंट रिलेशन, एक और कोई दूसरा रिलेशन बनाना इसके जैसा ही दूसरा रिलेशन बनाए, और कंटेनिंग फ्यूर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, जैसे यहां C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर x, मतलब ये इम्पॉसिबल हो कि यहां से ही एक और रिलेशन बन जाए और जहां पे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट क्या हो, लेस हो, यानी कि C1 प्लस C2 जो है वो C3 ना बन जाए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकता हूँ, ये तो आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोग बच्चे कहेंगे सर एक एग्जाम्पल आता है क्या आपको,
एक और लेता हूं एग्जांपल, देखो देखिए बेटे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां, वो है सी वन, देखिएगा सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन, थोड़ा सा अलग लेता हूं मैं एक्स प्लस दिस। अब आप बताओ भाई कुछ भी ले लो साइन, इसके अंदर कुछ और लिख दो, सी वन सी टू सी थ्री, कितने आर्बिट्रेरी है यहाँ, तीन है। देखो इनको मैं क्या करने वाला हूँ, सारे भ्रम तोड़ दूंगा इन लोगों के जो लोग बोल रहे हैं ना तीन है। अब देखो कैसे भ्रम टूटते हैं, थोड़ा स्पेस देखो मैं, दिख रहा है भाई कितना है वैसे अभी, कितने दिख रही है, सोच रहे होंगे सर क्या करेंगे भाई, इसमें तो कुछ कॉमन नंबर भी नहीं आ रहा, क्या करेंगे सर क्या करेंगे, किसी बच्चे के माइंड में आया नहीं अभी तक कुछ। देखो मैं क्या करने वाला हूं इसमें, ठीक है ध्यान से देखना, वाई इक्वल टू लिख लो, ठीक है भाई वाई इक्वल टू लिखो। अब देखो क्या करता हूं मैं, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू, सी टू बाहर निकाला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये इसका फॉर्मूला नहीं आता उसका भगवान मालिक है भाई, अब मैं नहीं कुछ बता सकता उसको, ठीक है फिर वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लगाया पहले, है ना, ये साइन ए प्लस बी हमने कर दिया। अब आप क्या करोगे भाई, यहां सी टू को भेजो अंदर, सी टू भेजो, ये आएगा सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स कॉस सी थ्री प्लस, सी टू अंदर गया आएगा सी टू कॉस एक्स साइन सी थ्री, देखते जाइए आगे होता है क्या, देखना होने वाला क्या है। कुछ लोगों को कुछ आइडिया हो रहा है कि नहीं यार, है कि खाली मैं लिखे जा रहा हूं, कुछ लगा कॉमन उमन आ रहा है कुछ, हाँ जी कॉमन कुछ नहीं आने वाला, होने वाला क्या है वो देखो जरा, कॉस एक्स और साइन एक्स में मैं अलग अलग कर दूंगा इक्वेशन को, देखना इन दोनों में से कॉस एक्स यहां से और एक यहां से कॉस एक्स कॉमन आ रहा है। अब भाई ये समझ आ रही होगी बात, है ना, आ रहा होगा समझ, है ना, देखो एक स्टेप बच सकता है आगे, नहीं बनेगा आगे, है ना, नहीं बनेगा इससे आगे स्टेप नहीं बनने वाला। मैं इधर लेफ्ट साइड में मेरे पास स्पेस है, मैं लेफ्ट साइड में लिखने वाला हूं ये और ये, इन दोनों में से कॉस एक्स कॉमन आया, अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है सी वन प्लस सी टू साइन सी थ्री, अरे भाई बोलो ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है प्लस सी टू साइन एक्स कॉस सी थ्री, ठीक है जी, सी टू साइन एक्स कॉस सी थ्री। अब मैं क्या करने वाला हूं यहां, इस पूरे को आप जानते हो ये कौन है बच्चे, ये कॉन्स्टेंट है, और साइन एक्स को अगर मैं साइड में कर दूं, ये भी क्या है, साइन एक्स को मैंने साइड में कर दिया यहां, और वो भी क्या था कॉन्स्टेंट था, जो भी था यार ये तो है सी टू कॉस सी थ्री, लिख देता हूं सी टू कॉस सी थ्री, इसको साइड में किया, सो ये भी एक कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये दोनों ही कॉन्स्टेंट है, तो इन दोनों को ए और बी लिख सकता हूं ना मैं, कॉन्स्टेंट क्यों है वो भी समझा गया होगा आपको, ए और ये क्या बी, आपकी कहानी यही खत्म होती है। आप देखिए जो आपके थ्री कॉन्स्टेंट थे आर्बिट्रेरी जिनको आप बोलते हो, वो रिड्यूस होके दो ही कॉन्स्टेंट रह गए, ठीक है, डज कॉन्स्टेंट सी वन सी टू सी थ्री आर नॉट इंडिपेंडेंट, सो यहां लिख देता हूं सी वन सी टू सी थ्री आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, आर नॉट इंडिपेंडेंट, हमें कैसे चाहिए थे इंडिपेंडेंट चाहिए थे। एक दो एक नोट और है इसके बाद, दो नोट आपको समझ आ गए होंगे जनरल सॉल्यूशन के, ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, देखिएगा बेटे ये थर्ड नंबर जो नोट है इसके बाद में आपकी आपका जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन फॉर्म, बिल्कुल सही बात है भाई, एक से ज्यादा फॉर्म हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी का जो सॉल्यूशन है वो आता है, चलो मैं एक अच्छा एग्जांपल ही दे देता हूं, है ना, अच्छा एग्जांपल लेता हूं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म भी हो सकती है, अरे भाई tan x को कोई sin x / cos x भी तो लिख सकता है ना जी, जैसे इंडेफिनिट इंडिकेशन में क्या होता है कि किसी का आंसर tan x आ रहा है कोई ऐसे निकाल देगा, है ना, बट arbitrary constants in one form will be related to arbitrary constant in another form. लेकिन हाँ एक बड़ी बात है, जो arbitrary constant जो आपके एक form में आएंगे और जो दूसरी form में आएंगे दोनों ही क्या होंगे एक दूसरे से related होंगे। जैसे मैं एक example ले रहा हूं, देखिएगा यहां y equal to c1 cos x plus c2, y equal to x cos x plus ये, ठीक है, y equal to x cos एक्स प्लस सी टू, है ना, नहीं सॉरी आएगा सी वन, ठीक है, अब सही
सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू, और एक और है वाई इक्वल टू सी थ्री साइन एक्स प्लस सी फोर, वाई इक्वल टू सी थ्री साइन एक्स प्लस सी फोर, सी थ्री साइन एक्स प्लस सी फोर के आगे है कॉस एक्स, आर बोथ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन यहां आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों ही सोल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई बाय डी एक्स टू, डी टू वाई बाय, क्योंकि दो दो आर्बिट्ररी है तो डबल तो होनी है, डबल ऑर्डर की तो होगी, डी टू वाई बाय डी एक्स टू प्लस y इज इक्वल टू जीरो, डी टू वाई बाय डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये दोनों ही जनरल सोल्यूशन है, दोनों में दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, और पहली वाली को मैं एक्सपेंड करता हूं, देखिएगा बेटे क्या होता है। अभी मैंने बताया कि दोनों फॉर्म्स में जो आपके दोनों फॉर्म आ रही है यहां, दोनों ही क्या है हमारे सोल्यूशन है, दोनों के आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को अगर मैं कंपेरिजन करूंगा है ना, वो दोनों ही इक्वल आएंगे, मतलब कंपेरिजन से इक्वल होना ही है। चलिए करते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं पहली वाली फॉर्म को, तो आएगा सी वन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, फिर क्या होता है माइनस साइन ए साइन, तो आएगा साइन ए साइन बी, ऐसे दूसरी फॉर्म का आ जाएगा, नहीं दूसरी फॉर्म तो ऑलरेडी इसमें क्या एक्सपेंड करना है, ये तो ऑलरेडी है, तो सी थ्री साइन एक्स प्लस सी फोर कॉस एक्स, कंपेरिजन करते हैं है ना, तो देखिए कंपेरेटिव में क्या आ रहा है, कंपेरिजन करने के बाद में हमारे पास जो मिल रहा है उसको लिख दीजिएगा है ना, सो सी वन मैं लिख देता हूँ सी वन कॉस सी टू इक्वल टू सी फोर, देखिएगा ये सी वन भी तो अंदर मल्टीप्लाई करेगा सबके साथ, ये आएगा सी वन और यहां भी सी वन आएगा ना, क्या साइन था माइनस वन, सो ये आ जाएगा सी वन आपका, हाँ साइन एक्स को अगर मैं कंपैरिजन करता हूं या कॉस एक्स वाला ले लूंगी, सी वन कॉस सी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा सी फोर, सी वन कॉस सी टू इक्वल टू सी फोर, सही है ना, चलो ये सही है, सो यहां मैं लिखता हूं, देखिएगा ये है ना भाई कॉस एक्स वाले दोनों के मैंने कंपैरिजन किए, ये देखो सी फोर यहां है और यहां है सी वन, कॉस सी टू इज इक्वल टू क्या आ गया सी फोर, और यहां से कंपेरिजन करो क्या आ जाएगा साइन एक्स दोनों में, तो माइनस सी वन साइन सी टू इज इक्वल टू सी थ्री, देखिएगा सही है ना, दोनों को कंपेरिजन किया। अब दूसरा एक और तरीका हमारे पास क्या है कि स्क्वायरिंग है डायरिंग है ना, देखो मेरा एक और नई क्वेश्चन बन जाएगी, ये क्वेश्चन वन ले लो और ये क्वेश्चन टू है, इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस इक्वेशन टू का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, सो आपको यहां से बहुत कुछ मिलने वाला है, देखिएगा ये आ जाएगा सी वन स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा अंदर वन इक्वल टू सी फोर स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर है ना, सो पता ही लग गया आपको सी वन इक्वल टू अंडर रूट सी फोर स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर, सो दैट इज आंसर इन सी वन इक्वल टू अंडर रूट सी फोर स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर। ऐसे बेटे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है कि अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करता हूं इक्वेशन टू अपॉन वन कर देता हूं, सो आएगा इक्वेशन टू अपॉन इक्वेशन वन डिवाइड किया तो ये आपका सी वन सी वन कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस टेन सी टू इज इक्वल टू आ जाएगा सी थ्री अपॉन सी फोर, माइनस इधर चला जाएगा तो आ जाएगा टेन सी टू इक्वल टू माइनस सी थ्री अपॉन सी फोर, एक और रिलेशन बना दिया आपने यहां से, ठीक है जी। So, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, अब तो बेटे काफी मैंने मतलब एक हिसाब से हिस्ट्री कर दी पूरी इसके है ना, और ये लो भाई ये लो दिख ही नहीं रहा कुछ है ना, ये तो प्रॉब्लम होगी भी, ये लास्ट वाला स्टेप नहीं दिख रहा सी, हाँ ये अब देखिएगा टेन सी टू आया हमारा माइनस सी थ्री अपॉन सी फोर, सी वन आया अंडर रूट सी फोर स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर, ये देख लीजिएगा बेटे इसको ध्यान से, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं है ना, पाँच छः मिनट ही हमारे पास और करते हैं क्वेश्चंस करते हैं बेटे, जो अभी तक आपने पढ़ा है
उसका यूज क्या हो रहा है, कैसे हम यूज करेंगे, वो दो क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा। पहला है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय 60% बच्चे इसका आंसर लिख देंगे 5 विच इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन इसेंशियल कितने हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आपने नहीं सोचा यहां पे। ठीक है जी, इस इक्वेशन को देखो मैं क्या लिखने वाला हूं आपके सामने, वो कुछ लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटे। इसको मैं लिख सकता हूं ए कॉस एक्स प्लस सी थ्री माइनस सी फोर ई की पावर। हाँ जी सोचिए जरा, सोचिए जरा मैं क्या लिख रहा हूं यार। इसको सी वन प्लस सी टू को ए लिख लिया, इसकी जगह खैर इसको तो आप ए कॉस एक्स प्लस सी थ्री है ना, एक्स प्लस सी थ्री, सी थ्री को बी ले लो, एक्स प्लस बी। ठीक है, और सी फोर तो आएगा ही, ये पूरा ही क्या है, ई की पावर में चला गया तो क्या है भाई, ई की पावर में अगर है और साथ में ये भी तो आ जाएगा ना, सी फोर भी आ जाएगा। हाँ ये पूरा ही क्या है, कॉन्स्टेंट है, ई की पावर ही क्यों, ये पूरा ही एक कॉन्स्टेंट है। वेयर क्या लिख देता हूं, वेयर आपको ज्यादा समझ आएगा, वेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, कैपिटल बी इज इक्वल टू सी थ्री, कैपिटल सी इज इक्वल टू सी फोर ई की पावर एक्स प्लस सी फाइव। सो हाउ मेनी आर्बिट्री इसेंशियल आर्बिट्री आर देयर, 3। सो व्हाट इज द ऑर्डर, 3 विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कितने हैं कम से कम, कितने हैं 3 तो चाहिए चाहिए, तो ऑर्डर भी कितना चाहिए कम से कम 3, तो ऑर्डर होना ही चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंसाइडिंग सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन, कंसाइड का मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे, कंसाइड कर दे, मिक्स कर दे, बात एक ही है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर कितना है भाई 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालता हूं, तो जो सॉल्यूशन आएगा मैंने आपको बताया था उसको हम इंटीग्रल करके कुछ बोलते हैं, इंटीग्रल कर्व जिसको बोलते हैं, वो एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, आइडेंटिटी मींस वाई डैश को जब सॉल्व करोगे तो वाई में कुछ बनेगा ना, सो दैट विल बी एन आइडेंटिटी, वो क्या होगी एक आइडेंटिटी होगी। अब मैं आगे क्या बोल रहा हूं आप वो भी सुनिएगा जरा ध्यान से, इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी में। इक्वेशन ए और बी को जब कंसाइड कर देंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, आइडेंटिटी बन रही है तो सबको सेटिस्फाई करता है वो, तो छोड़ो छोड़ो, मेन बात ये है मुद्दे की कि इन दोनों की ये वाली साइड्स जो है वो दोनों ही क्या होगी, इक्वल होगी। चलिए करिए इक्वल, तो y स्क्वायर प्लस 2x माइनस x की पावर 4 इक्वल टू माइनस y स्क्वायर माइनस y प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4। सो ये 2x कैंसिल करो, जो कैंसिल होता है उसको हटाओ बेटे यहां से, है ना, जिसको भी आप कैंसिल कर सकते हो करिए, कोशिश करिए कैंसिल करने की, और फिर कंपैरिजन करिए, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है यहां से, y इक्वल टू क्या आ रहा है, हाँ जी ये माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 4 और x की पावर 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x की पावर 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा ये दोनों का। ठीक है, बचा क्या, ये इधर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। सब सही है, प्लस वालों को चाहो तो आप इधर रख लो, माइनस वालों को उधर भेज दो, तो 2y स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। कंपैरिजन करो देखो क्या आ रहा है, कंपैरिजन करने से मुझे ये पता लग रहा है कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, y स्क्वायर जो है वो x की पावर 4 के, y किसके इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, सो सही है सब, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, सब सही है, आई थिंक कोई मिसिंग है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 और इन दोनों का आपने जोड़ा 2y स्क्वायर आ गया, सब सही है। एक मिनट मुझे इक्वेशन चेक करने दो, वाई स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है फिर, है ना, चलो सही है, कोई इशू नहीं। सो जो जो कैंसिल हुआ था 2x कैंसिल हुआ, और माइनस एक्स की पावर 4 जब इधर आया तो साथ में ये वाला माइनस 2 वाई स्क्वायर इधर आया, 2y स्क्वायर सही है,
और प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, सही है सर। सो 2y² और y को ये इधर रखा, इन दोनों को उधर भेजते, सब सही है यार, है ना। सो एक आ रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर जाएगा, पुट करके देखेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो दैट विल बी आवर सोल्यूशन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो आया। सो ये ही हमारा सोल्यूशन होगा, है ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी द सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट बेटे, टाइम ज़्यादा अप हो रहा है, बट मैं सिंगलर सॉल्यूशन तो कराऊंगा ही, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन आपका हो गया है कवर, सो सिंगलर सॉल्यूशन के बिना मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, है ना, इसको करा के छोड़ेंगे, देखिएगा। इन ऑर्डर टू सी द एग्जिस्टेंस, मतलब ये लोग कहते हैं सिंगलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है, नहीं पता नहीं सर ऐसे बोल रहे हैं। मान लीजिए कि रिलेशन है हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, सी इज अ कॉन्स्टेंट, सी क्या है उसमें, कॉन्स्टेंट है, विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं इस इक्वेशन का, एक मिनट श्योर लग रहा है मुझे, -4y इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का करके देख लेते हैं, मुझे अगर थोड़ा डाउट है तो चेक कर लेते हैं अभी। इसको डिफरेंशिएट करो जरा, dy बाय dx क्या आ रहा है, dy बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस c, और x प्लस c को दोबारा करेंगे तो 1 आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आएगा dy, सही है हाँ 4 ही आएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो भाई आंखें नाप लेती है कई बार तो, है ना, जहां गलती होती है बुला लो इसको उधर, तो ये तो ऑब्वियसली क्या है आपका वाई ही तो है ये, तो इसको तो बुला लो, सो सही है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सोल्यूशन है, तो कौन सा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि सी की वैल्यू अभी पुट नहीं की, अगर सी की पुट कर देता तो पर्टिकुलर बन जाता। लेकिन अब बात करता हूं मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है सिंगुलर सोल्यूशन की। क्या आप मुझे बता सकते हो अगर ये इक्वेशन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, क्या वाई इक्वल टू 0 क्या है, सोचो, यहां लिख दो, ये एविडेंस है मेरे पास वाई इक्वल टू 0, क्यों वाई इक्वल टू 0 लिख दिया भाई मैंने, क्यों क्या हुआ ऐसा, ठीक है वाई इक्वल टू क्या लिखा है हमने 0, ये भी तो सोल्यूशन है क्वेश्चन 2 का, अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो इसका सोल्यूशन है या नहीं है, y इक्वल टू 0 भी तो क्या है, सोल्यूशन है कि नहीं है। सो अब आप क्या करोगे, और इसको इक्वेशन 1 से ऑब्टेन नहीं किया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इक्वेशन 1 से नहीं आया है ना, इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, आप देख सकते हो इक्वेशन 2 का ये भी एक क्या है, सोल्यूशन है, और ये इक्वेशन 1 से नहीं बना, इक्वेशन 1 में वाई जीरो पुट करोगे तो वहां थोड़ा ना आएगा, इसी से आ रहा है डिवाइड बाई डीएक्स का होल स्क्वायर इक्वल, हमने यहां से क्या किया वाई, वाई यहां से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो वाई अगर 0 आ रहा है सो ये इट, और ये 1 से आया भी नहीं है, ठीक है, कोई भी सी की वैल्यू ले लो आप, कोई भी एनी चॉइस ऑफ सी, बाय एनी चॉइस ऑफ सी, अगर मैं कोई चॉइस ले लेता सी की, ठीक है इक्वेशन 1 में, तो वो क्या बन जाती है, अगर कोई वैल्यू पुट कर देता है यहाँ तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता। ये जो इक्वेशन 3 है ये क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन है किसका, इक्वेशन 2 का, मैं लिख देता हूं दैट इज अ सिंगुलर सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, और मैं इसको प्रूफ भी करा सकता हूं बेटे, अभी देखिएगा ये सिंगुलर सोल्यूशन है इक्वेशन 2 का, इस वाली इक्वेशन का ये क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन है, ओके वाई इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं। मुझे लग रहा है कुछ को अभी भी कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको ना दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि y इक्वल टू 0 आपका सिंगुलर सोल्यूशन क्यों है। अच्छा भैया एक बात बताओ, इक्वेशन 2 का बोला मैंने, ये भी ध्यान रखना है ना। सो अगर मैं इसको y इक्वल टू 0 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा 0, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो भी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ भी स्क्वायरिंग हो जाएगी, और y इक्वल टू 0, y 0 है तो 0 की जगह y पुट कर सकते हैं, y इज 0, वाई जीरो है तो 0 पुट कर सकते हैं, स्क्वायर हटा सकते हैं, 0 का स्क्वायर करने से फायदा तो होगा नहीं, और 4 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0 को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सो ये क्या है इसका एक सोल्यूशन, आप ऐसे समझ लो ज्यादा बेटर है ना, ये ज्यादा बेटर तरीका है समझने का। चलिए
फैमिली ऑफ नॉन पैरेलल, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ए फैमिली ऑफ नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, नॉन पैरेलल तो पता ही है जो क्रॉस करके जाएंगे, दीज आर द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सभी लाइंस जो है वो क्या है, सॉल्यूशंस है, वो मैं अभी ड्रॉ करके भी दिखाता हूं आपको, ठीक है। एंड ए वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन जो है वो यहां से दिया जाता है, मतलब इस इक्वेशन से वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल हो गया ना इसमें, तो हाँ सारे आ गए इसमें, ठीक है, मतलब सी की वैल्यू आप चेंज करते रहो तो अलग अलग लाइंस आती जाएंगी, है ना। दिस फैमिली इज वन विच पॉसेज एनवलप, एनवलप पता है ना भाई क्या होता है एनवलप, वैसे तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या मीनिंग है इसका एनवलप का, इसी को बोलते हैं ना एनवलप। दिस फैमिली इज वन विच पॉसेज एन एनवलप दैट इज ए कर्व, मतलब एक एनवलप बता रहा है जिसके अंदर एक चिट्ठी है, चिट्ठी के अंदर क्या है वो, मतलब कर्व है, हैविंग द प्रॉपर्टी दैट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे एक कर्व हैविंग द प्रॉपर्टी दैट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इट इज टेंजेंट टू वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। वैसे सुनो, दिस फैमिली इज वन विच पॉसेसेस एन एनवलप दैट इज ए कर्व हैविंग द प्रॉपर्टी दैट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, हर एक पॉइंट के ऊपर इट इज टेंजेंट, क्या होगा ये टेंजेंट है टू वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मतलब इसका एक मेंबर ले लो, इसका एक मेंबर ले लो, मेंबर कोई भी आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो मेंबर मिल जाएगा आपको, सी की वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है। ये दिस फैमिली इज वन विच पॉसेस एन एनवलप, ये क्या पॉसेस करता है, एनवलप पॉसेस एन एनवलप दैट इज ए कर्व, दैट इज ए कर्व, वो एक कर्व है Having the property, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, दैट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर, अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा मैं, इट इज टेंजेंट टू वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है जी, बात समझ आ रही होगी, आ रहा होगा। दिस फैमिली इज वन विच पॉसेस एन एनवलप दैट इज अ कर्व हैविंग द प्रॉपर्टी दैट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इट इज टेंजेंट टू वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। चलिए मैं ये जो पॉइंट है इसको क्लियरिफाई करता हूं आपको, देखिएगा, देखिए भाई मैं यहां जो बात कर रहे थे हम स्ट्रेट लाइंस की, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी स्ट्रेट लाइंस है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस है, मैंने दो ही बनाई है यहां, ठीक है जी, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस है, नॉन पैरेलल बोला, नॉन पैरेलल तो बहुत होती है, नॉन पैरेलल्स तो बहुत है, ये दो बेटे है ना, सो इस तरीके से नॉन पैरेलल्स है, ठीक है, और ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बताता हूं आपको कि यहां जो कहानी है वो किसकी है, एनवलप हेयर इज, जो एनवलप है जिसके चारों तरफ ये कहानी घूम रही है वो ग्राफ है ये वाला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैसे जाता ओरिजिन से, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जिसकी चारों तरफ सारी कहानी घूम रही है, ठीक है जी, बात समझ आ रही होगी, या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले बना लो आप, ठीक है, देखिएगा जो सोल्यूशन था उसमें सी स्क्वायर था ना, सी स्क्वायर था, यानी कि सारी कहानी किसके चारों तरफ घूम रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के चारों तरफ, है ना, ये सॉरी, ठीक है जी, चलिए मान लो उसको, ठीक है कोई नहीं, ये हमारा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये हमारी लाइंस है जो सभी किसके चारों तरफ घूम रही है, नॉन पैरेलल लाइंस है ना, ये सोल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, और इसको हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है, ये एक इंटीग्रल कर्व है, ठीक है, जो स्लोप कोऑर्डिनेट्स हर एक पॉइंट पे होंगे इसके एनवलप के आर द सेम है दोज ऑफ वन ऑफ द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ फैमिली, वही बोला था ना उसने, इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, डायरेक्टली आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो सोल्यूशन है किसका, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर सोल्यूशन बनेगा किसका, जो इक्वेशन फोर का सोल्यूशन बनेगा, इक्वेशन फोर का आप देख सकते हो इक्वेशन फोर को, ठीक है, आगे नोट ये भी कर लो कि दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज नॉट ए मेंबर ऑफ फैमिली इन फाइव, ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है मेंबर नहीं बनेगा फाइव का, फाइव जो इक्वेशन थी वो क्या थी, सी एक्स माइनस
वन अपॉन फोर सी स्क्वायर, तो उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, आगे और क्या पॉइंट बना हुआ इसमें? ठीक है, फर्दर सोल्यूशन, नॉट मेंबर ऑफ फैमिली मे बी ऑब्टेन्ड बाय पीसिंग टुगेदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली विद पोर्शंस ऑफ द एन्युलर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसी का। एन एग्जांपल इज शोन इन द फिगर बिलो, देखिएगा इक्वेशन फोर का सोल्यूशन दे रहा हूं और ये भी मेंबर नहीं है उसका, है ना, थोड़ा सा सोल्यूशन ये होगा इस तरीके से, नहीं है तो उसी की जैसा ही, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे ही है। देखिएगा इसको, ये भी एक एनवलप है, ये भी उसका सोल्यूशन दे रहा है, देखिएगा इस तरीके से। ओके, थोड़ा ग्राफ ठीक ठाक ही बना है, वैसे तो स्ट्रेट लाइन ही आ रही थी, यहां से टेंजेंट बोला ना उसमें कि हाँ टेंजेंट ये इस तरीके से। ओके, अब ठीक है थोड़ा, ओके टेंजेंट लाइन ये सही है। ओके, मान लेते हैं एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ ए, पहले मैं अलग अलग पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ जीरो है वैल्यू और ये वन है, ये वन बाय फोर है, ऐसे अलग अलग वैल्यूज लेता हूँ मैं, देखिएगा, और फिर इसके थोड़ा सा आगे मैं जा रहा हूँ, वन डी माइनस वन होगी और ये वन होगी, है ना। चलिए ठीक है, अब ए पॉइंट की बात करते हैं हम, कौन से पॉइंट की? ए पॉइंट की, ये रहा हमारा ए पॉइंट, सही है। हाँ, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, अगर ए पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए, ठीक है, वो कब आएगी? जब सी की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? माइनस टू पुट करोगे इन इक्वेशन फाइव, आप इक्वेशन फाइव में सी की वैल्यू माइनस टू पुट कर दो, ठीक है, फिर देखिए क्या आता है। तो ये वाली लाइन मिलेगी आपको, लाइन यानी कि ये वाली लाइन मिलेगी। ओके, पुट करके देख लेना उसमें क्या आएगा, माइनस टू एक्स और फिर आएगा फोर और फोर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू एक्स माइनस वन, हाँ ऑब्वियसली यही लाइन होगी, माइनस टू एक्स माइनस वन, थोड़ा सा मन से पास करेगी ये लाइन नीचे से पास करेगी ऐसे, ठीक है, खैर समझा रहा होगा आपको। आगे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, आगे एट टेंजेंट एट बी कम्स फ्रॉम बी, बी पॉइंट में यहां मैं लेने जा रहा हूं, देखिएगा ये रहा बी पॉइंट, बी पॉइंट कब मिलेगा? जब सी की जगह क्या पुट कर दोगे आप, सोचिए सी की जगह क्या पुट करोगे, सी की जगह पुट होगा वन बाय टू, ठीक है, सी की जगह वन बाय टू, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या बनेगा? पूरा बना ही देते हैं, पूरा एग्जैक्ट बनाता हूं मैं यहां, देखिएगा रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन आएगा एफ एक्स इक्वल टू, यानी कि सोल्यूशन जो एग्जैक्टली है वो ये है, ठीक है, जब एक्स माइनस वन से लेस है, एक्स माइनस वन से लेस है तो कौन सी लाइन आ रही है, इक्वल भी ले सकते हो, माइनस टू एक्स माइनस वन, क्योंकि सी को हमने क्या पुट किया यहाँ पे, माइनस टू। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू और लो, माइनस वन से वन बाय फोर, तो जब माइनस वन से आप वन बाय फोर की तरफ बढ़ रहे थे तो आपका ग्राफ एक हिसाब से कौन सा ग्राफ था, एक हिसाब से किसका ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, थोड़ा देख लेना यार इसको, है ना। सो जब माइनस वन से वन बाय फोर की तरफ बढ़े थे आप, तो आपका ग्राफ था एक्स स्क्वायर का, आगे बढ़े। अब जब वन बाय फोर से आप ग्रेटर जा रहे हो, एक्स जब आपका वन बाय फोर से बड़ा है, तो ग्राफ है वन बाय टू एक्स माइनस, देखना जरा यही है वैल्यू पुट करके, हाँ यही होगा, नहीं नीचे भी वन, हाँ नीचे आएगा वन बाय सिक्सटीन, सॉरी बेटा ये वन बाय सिक्सटीन नीचे, वैल्यू पुट कर लेना ना ये वाली, वन बाय टू पुट करके देख लेना इक्वेशन फाइव में, अब सही है। ये जो फंक्शन आपने देखा, इसका एक डेरिवेटिव होगा और वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हर एक वैल्यू के लिए, और यहां से आप क्लियर कट समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमिलर एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना, सेम वे से। सो ये एग्जांपल शो करता है इसको, ठीक है, कि कितनी वैल्यूज पॉसिबल है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। और कोई बात इसमें रह गई है? बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन है विच डू नॉट हैव सॉल्यूशंस एट ऑल एंड अदर्स विच डू नॉट हैव ए जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ के सॉल्यूशन नहीं भी होता, कुछ का सॉल्यूशन नहीं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंशियल है जिनका सॉल्यूशन नहीं होता। एक ले लेता हूं मैं एग्जांपल, जैसे मैं कहूं dy / dx का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, सोल्यूशन बनेगा इनवर्टेड, dy / dx का होल स्क्वायर कभी माइनस वन आएगा नहीं कभी भाई, एक सिंपल सी बात है, इधर इधर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, उधर राइट साइड में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सो नो सोल्यूशन, वैसे पता लग रहा है। ओके, और एक इक्वेशन ले लो जिसका कोई जनरल सोल्यूशन ही नहीं होगा, कोई इक्वेशन लू मैं, यहां मान लो ये है dy / dx होल मॉड कर दिया मैंने,
प्लस वाई होल मॉड इक्वल टू जीरो, नो जनरल सोल्यूशन नहीं हुआ, जनरल सोल्यूशन नहीं है, एक सोल्यूशन तो बन जाएगा इसका वाई इक्वल टू जीरो। ये कौन सा सोल्यूशन है वाई इक्वल टू जीरो? इस सोल्यूशन का नाम क्या है? ओनली सोल्यूशन बोल दो, आपके पीछे सिंगल सोल्यूशन बोल देंगे इसको, जो मर्जी बोलो, बट जनरल सोल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है। सो ये लेक्चर कंप्लीट होता है, काफी कुछ था इसमें, है ना। चलिए बेटे, ओके, थैंक यू। 115 का लेक्चर था ये, आप लोगों ने किया अगर इसे कवर, तो फिर डिफरेंशियल बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए आगे, है ना, विजुलाइज करना सीख गए हो आप लोग। ओके।